हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेट लवर साहिल सिखावत। तो बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप से रेगुलर वीडियोस आएंगी जो कि कबूतर के केयर्स के बारे में या डॉग्स के केयर्स के बारे में या और भी सब जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में। जैसे कि मैं रैबिट और पैरट लाने का मतलब प्लानिंग चल रहा है। ये जो मेरे पीछे छत है, यहाँ पे हम लोग केव बनाने वाले हैं इस टाइप का, जो आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसमें से कबूतर सारे हटा दिए हैं और कबूतर को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, जो मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये जो केज है ये हो गई है पूरी खाली, इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें भी कुछ न्यू पेट्स लाने वाले हैं, इसको थोड़ा ठीक कराएंगे, क्योंकि इसमें बिल्ली आ जाती है जो कि मेरे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये कबूतर को खा जाती हैं। और भी कुछ लाएंगे, जैसे बजीज हो गए या और भी कुछ, तो वो उन्हें भी चट कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए पहले हम लोग करने वाले इसकी मरम्मत, जो कि संडे को स्टार्ट हो जाएगी। संडे को मैंने बुलाया है कुछ वर्कर्स जो है उनको, और मैं इसे ठीक करा लूँगा। तो ठीक कराने के बाद और भी आ जाएंगे। जो बिल्ली मुझे तंग करती है वो मैं दिखाता हूँ कौन सी है। ये वो बिल्ली है जो मुझे बहुत तंग करती है। ये थोड़ी दूर में है, जूम करने के बाद क्लियर दिख नहीं रही होगी। तो ये वो बिल्ली है जो मुझे बहुत तंग करती है। ये वो केज है जिसकी मुझे मरम्मत करवानी है। इसे मैंने सारे कबूतर हटा दिए हैं। तो यहाँ पे मतलब होल है, यहाँ से बिल्ली आ जाती है, इसे हटाना है। कि इसके ऊपर मैंने शेल्टर लगा दिया है, ये कुछ लगाया है मैंने। तो ये हो गया प्रॉपर सेट। नीचे भी कुछ काम करवानी है, इसे पानी उनी अंदर ना जाए। इसे भी हम लोग फुल पैक करा देंगे, बस आगे वाली जाली रखेंगे। तो मैंने कबूतर को रख दिया यहाँ। यहाँ पे पहले बजीज था जो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, वो भी उसके पास है। तो ये कुछ पिजन्स है, कुछ तो मैंने हटा दिए हैं, जैसे गिरेवाज और हंगेरियन सारे तीन जो थे। कबूतर तो 3 दिन से अंदर ही है, क्योंकि 3 दिन से मैं बाहर था। तो इन लोगों को निकालते हैं बाहर। तो मैं जैसे ही अंदर आया 3 दिन के बाद, ये देखिए क्या सीन है, ये लोग सब मेरे पास आ गए। तो बेस्ट थिंग पता है कबूतर के बारे में क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग आ गए बाहर और इन्हें लगी है भूख। तो ये चेक करें, तो गाइज मुझे पता है कि मैं बिल्ली से इन लोगों को कैसे बचाऊं। ये बिल्ली से बहुत डरती है, और बिल्ली को देख लेने के बाद ना दरवे में भी नहीं जाती है। तो ये मेरे कबूतर हैं, और इसलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। अभी मेनली मेरे पास बहुत कम कबूतर है, लेकिन जो है बेस्ट है दिखाता हूँ। जी 3.5 दिन बाद मुझसे मिल रहे हैं, सबकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी है। एक दो की थोड़ी सी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक ही टैबलेट में ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ, ये कबूतर जो है, यहाँ हम लोग इसे मंडाजी कहते हैं, पर ये मिक्स में है, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक, इसे हो रही है 40 ग्रीन द डेंजरस 40। ठीक, तो ऐसे मेनली ये ठीक है, इसे कहते हैं कुछ हुआ नहीं है। पर हमको लगता है 3 दिन ये लोग बंद थे, और मैंने एक ही बार पानी दे दिया था, कोई देखने भी नहीं आया।
जो कि मेरी गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से इसको हो गया थोड़ा सा झाड़। तो मुझे लगता है कि इसे ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक नहीं करेंगे तो इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकता। ये वही कबूतर है जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे। ये इतनी ओवर फ्रेंडली है ना, इसे मैं जब जाऊँ तब हाथ पे बुला सकता हूँ। सॉरी थोड़ा वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है। जैसे चलिए मैं दिखाता हूँ। अरे ले, हा 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 हा, आज कोई और ही आ गया। आज ये नहीं आ रहा क्योंकि ये यहाँ खा रहा है। इसका नाम है नोबिता क्योंकि ये मुझसे तो फ्रेंडली है लेकिन और सबसे फ्रेंडली नहीं होता, सबसे डरता है सारे कबूतर से भी। पर ये मेरे लॉफ्ट का सबसे पहला कबूतर है। मेरे पास आना चाह रहा है लेकिन नहीं आ रहा। अरे ये लगता मुझसे भी डर रहा है। अब आएगा ले। अरे कोई नहीं, बेइज्जती ना कराओ, सब देख रहा है। चेक करें, भुक्कड़ नोबिता दी भुक्कड़। ये सबसे पहले गेहूं को क्या करेगा कि खा लेगा, उसके बाद ये इधर तो देखेगा सिर्फ गेहूं खा रहा है। अब इधर तो देख रहा है कोई आ ना जाए। ये गेहूं खत्म कर रहा है, अब उसको धकेल देगा। धकेल दिया, फायदा था। खाते टाइम तो इससे कोई नहीं जीत सकता। चल तो मैं नोबिता की सिजुका से मिलवाता हूँ। ये रही सिजुका। ये सिजुका नोबिता की वाइफ है अभी, मतलब डोरेमोन सीजन में तो ये गर्लफ्रेंड थी, मतलब क्रश थी सॉरी, पर इसमें इसकी वाइफ है। वो हमारा दिलदार, ये आ गया नोबिता वापस। नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दिया कि इस चैनल पे और क्या क्या आने वाले हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्हें भी पेट्स पसंद हैं, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं जैसे आप लोगों को पता ही है। ये लोग बोलते नहीं, कंप्लेन नहीं करते, पर लॉट्स ऑफ लव देते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग को भी पेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और मुझे ये भी बताएं कि मैं और क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होता, अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि नोबिता आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।